राम मंदिर पर संघ परिवार में नई सुखबुगाहट है। दिल्ली में आरएसएस ने रथ यात्रा का प्लान बनाया है। यह कवायद उसी कड़ी में है जिसका नाम संकल्प यात्रा रखी गई है। दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वदेशी जागरण मंच की संकल्प यात्रा और संकल्प यात्रा की तस्वीरें बताती हैं कि आखिर कितना समर्थन मिल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए स्वदेशी जागरण मंच की संकल्प यात्रा निकल चुकी है। 10 दिनों की यात्रा का पहला दिन और पहले दिन ही हो गया फ्लॉप शो। 100 लोग भी है क्या भाई साहब? यह देश की आस्था का प्रतीक है। पूरे कार्यकर्ता कहाँ है, वो क्यों नहीं आए? कार्यकर्ता है, ये तो शुरुआत है। राम मंदिर 9 दिसंबर को, आज पहला दिन है। इतना बड़ा, इतनी बड़ी तैयारी थी, कहाँ है आपके लोग? कहाँ है? कुल मिला के 100 लोग भी नहीं दिख रहे। कोई बात नहीं, लोग आ जाएंगे। 9 दिसंबर से संघ की तरफ से ऐसी ही यात्राएं पूरी दिल्ली में निकाली जाएंगी। लेकिन इस संकल्प यात्रा की सीमा यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। ये यात्राएं देश भर में निकलेंगी, जिनका मकसद मंदिर पर माहौल बनाना है। कोई नई बात नहीं है आरएसएस के लिए। सबसे पहले शुरू की थी राम जन्मभूमि के लिए आरएसएस के संकल्प से ही, तो उसीलिए हमारी मेजॉरिटी मिली। तो हमें आज जो पावर में बैठे हैं उनको तो याद रखना चाहिए। पावर में आए सिर्फ इस आरएसएस के मेहनत से, और ये इशू के कारण, राम मंदिर के इशू के कारण ही एक चेतना जगी। आरएसएस और बीजेपी और वीएचपी की जो पहले से तयशुदा एक स्ट्रेटजी है, उसी का पार्ट है। वो कभी धर्म संसद करेंगे, कभी संकल्प यात्रा निकालेंगे, कभी कुछ और नाम देंगे। वो चाहते हैं कि इलेक्शन तक मीडिया को इसी मामलों में इन्वॉल्व रखें, ताकि कोई डिबेट इस पर ना होने पाए कि उनका उनके जरिए से डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ। संघ की ये संकल्प यात्रा उस वक्त निकाली जा रही है जब 6 दिसंबर की तारीख नजदीक आने वाली है। विश्व हिंदू परिषद पहले ही राम मंदिर पर एक्शन में है। देश की दहलीज पर 2019 का चुनाव आकर खड़ा है और राम मंदिर के नाम पर नई राजनीतिक हलचल है। बीजेपी से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर मंदिर का वायदा कहां दफन कर दिया? इस बार यदि इतना आंदोलन का स्वरूप देकर के भी बीजेपी ने राम मंदिर नहीं बनाया, और क्योंकि यूपी में और केंद्र में दोनों जगह उनकी सरकार है, तो फिर बीजेपी से लोगों का भरोसा टूटेगा। अब ये उनको तय करना है कि उनके लिए क्या श्रेयस्कर है। अब नहीं तो कब का सवाल है। जब भारतीय जनता पार्टी होगी तब ही होगा, अगर कांग्रेस आएगी तो कभी नहीं। राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जिससे बीजेपी का बचकर निकलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि केंद्र में उसकी सरकार है और मंदिर बनाने का वो देश से बार बार वायदा करती रही है।